नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं समय की बड़ी खबरों की। हरियाणा से आकर सीहोर में की चोरी, 5 आरोपी गिरफ्तार। रेकी का चोर की घटना को देते थे अंजाम, पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को हिरासत में ले लिया है। सातिर चोर गिरोह के 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों से एक डंपर, 2 कार, मोबाइल, वाईफाई कैमरा, डोंगल सहित करीब 60 लाख का सामान बरामद किया है। एसपी मयंक अवस्थी ने बताया है कि थाना इछावर में 5 मई को सुरेश कोरकू निवासी नादान की ओर से उसका हाईवे डंपर नादान रोड से चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के शातिर 5 आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपियों से एक डंपर, 2 कार, मोबाइल, वाईफाई कैमरा, डोंगल सहित करीब 60 लाख का सामान जब्त किया है। हम आपको बता दें कि पुलिस टीम के द्वारा घटनास्थल, बैंक व टोल प्लाजा व अन्य स्थानों करीब 600 किलोमीटर तक के रूट के करीब 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, जिनमें से आरोपियों की कार एवं चोरी गए डंपर को मेवात हरियाणा में ले जाना बताया गया। साइबर सेल की तकनीकी मदद से आरोपियों की पहचान की गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक हरियाणा की कार क्षेत्र में घूमते हुए देखी गई है, जिसमें 5 संदिग्ध लोग बैठे हैं जो रोड पर खड़े वाहनों की रेकी कर रहे हैं। पुलिस थाना इछावर की टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए नदान घाट से कार में 5 संदिग्धों से पूछताछ में डंपर हाईवे चोरी करना स्वीकार किया गया है। एम चोरी किए गए डंपर को हरियाणा नूह मेवात रखा। चोरी का डंपर हाईवे और घटना में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश में कई अपराध पंजीकृत हैं एवं 2 आरोपी शहीद मेव व रईस में राजस्थान में जिला खैरथम ATM चोरी में शामिल है, जिन पर 10,000 रुपए के नाम भी हैं। और तत्काल टीम को सक्रिय किया जाता है, उसकी पड़ताल प्रारंभ की गई। इछावर थाना प्रभारी के निर्देशन में टीम गठित की गई, साइबर सेल के भी मेंबर्स उसमें लगाए गए। टीम ने काफी मेहनत करते हुए करीब 600 किलोमीटर तक रूट के कैमरा चेक करते हुए इस गाड़ी को ट्रेस किया और कैमरा चेक करते और तकनीकी साक्ष्यों का अध्ययन करते हुए जो आरोपी थे उनकी जो मूवमेंट था वो हरियाणा की तरफ पता चला। जो डंपर था और डंपर के साथ में जो गाड़ी एस्कॉर्ट करने के लिए यूज की गई थी उसका मूवमेंट न्यू हरियाणा की तरफ, जिस पर से टीम लगातार कुछ दिन तक हरियाणा में रही और वहां पर उन्होंने पूछताछ की, जिस पर से टीम ने ये पता किया कि हरियाणा में मेवात और नूह में उस डंपर को छुपा के रखा गया था। इसके अलावा जो आरोपी थे उनका लगातार मूवमेंट हरियाणा और सीहोर के बीच में बना हुआ था और भी कई वारदातों में उनकी संलिप्तता की जांच पड़ताल की जा रही है। तकनीक शासन अध्ययन के बाद से नादान घाटी के पास में एक एक्सयूवी गाड़ी से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जो कि सभी आरोपी मूलतः हरियाणा में नूह के रहने वाले हैं और कुछ नूह मेवात में काफ़ी संख्या में अपराध हैं। 2 दर्जन से अधिक अपराध सभी आरोपियों के हैं, काफ़ी गंभीर अपराध हैं। साथ ही ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह है इसके राजस्थान में भी ATM कटिंग के अपराध हैं और राजस्थान से के खैरथम जिले के अभी रिसेंट में हुए ATM कटिंग के 27 लाख की ATM कटिंग हुई थी उसमें भी वो अभी तक फरार हैं, आरोपी हैं, वहां से भी टीम आ रही है। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाली बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।